हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो आज आने वाली हो। आप लोग इतना सारा कमेंट्स कर रहे थे कि मैम प्लीज़ अपना हेयर कट कीजिए, तो मैं आज अपना हेयर कट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं दिवाली के पहले करूँगी, तो अभी नवरात्रि चल रहा अभी कर लेती हूँ, वरना दिवाली के टाइम पे इतना ज़्यादा रश होता है कि हम पार्लर वालों को तो अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो आप मेरे हेयर के लेंथ देख लीजिए पहले, ठीक है? तो ये मेरे हेयर की लेंथ है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी, ठीक है? देखिए, पहले भी मैंने इसको यहाँ से किया था, ये इतना हो गया है। तो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी अपना हेयर कट, और आप खुद भी मुझे देख के सेल्फ हेयर कट कर पाएंगे। बहुत इजी तरीके से बताऊंगी, स्टेप्स और लेयर मिक्स करके करने वाली हूँ। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, हमारे एरिया में जितने भी पार्लर हैं उन पार्लरों में सबसे ज़्यादा हेयर कट मेरे पार्लर में होता है, क्योंकि मेरे हाथ की कटिंग लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप लोग भी वीडियो देख ही चुके हैं, तो मैं दूसरे से कैसे करवा सकती हूँ, तो इसके लिए मैं अपना हेयर कट खुद से करती हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं हेयर कट करना। तो हेयर कट करने के पहले हमें करना क्या है, इस तरीके से अप्रॉन सेट कर लेना है नेक पे, ताकि जो भी हेयर कट हो तो वो गिरे ना। और मैं ड्राई हेयर कट ही करने वाली हूँ, आप देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच की पार्टिंग करेंगे। देखिए, सेल्फ हेयर कट करना कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ज़रूर कर पाएंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते आप सीख जाओगे करना। तो बस आप फोकस करिए कि मैं किस तरीके से हेयर कट कर रही हूँ। तो सीधी, बिल्कुल सेंटर सीधी मांग निकाल लेनी है आपको, और इस तरीके से पार्टिंग कर लेनी है। कान के जस्ट सामने से आपको इस तरीके से बालों को लेना है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा देती हूँ टाइप से, और दोनों तरफ के हेयर को लेना है। देखिए, गीले बालों पे हेयर कट करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि एक तो बाल उलझते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं। और हम क्या करेंगे कि मैं पीछे के बालों को जो है इस तरीके से क्लिपिंग कर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी कटिंग करते समय मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ड्राई हेयर है तो जाहिर सी बात है कि वो उड़ के अगर सामने आएगा तो वो एक दूसरे में फंस जाएगा, जिससे कि जो पार्टिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से आप ना पीछे के बालों को अच्छे से क्लिपिंग कर देंगे और उसके बाद कट करेंगे। फ्रंट के बालों को आपको अच्छे से कोम करते हुए सामने की तरफ लाना है। ऐसा लेंथ आप डिसाइड कर लेंगे आपको कितना शॉर्ट करना है। मैं यहाँ पे चिन एरिया के पास से रख रही हूँ, और बिल्कुल इक्वली आपको ऐसा कट कर देना है। ये देखिए, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेंगे इस टाइप से। और अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम हो तो आप जो है गीले बालों पे ही कट करेंगे, ठीक है? मैं ड्राई हेयर कट दिखा रही हूँ, लेकिन आप जो है बालों को अच्छे से गीला कर लेंगे, उसके बाद ही कट करेंगे। और देखिए, उसके बाद आपको इस तरीके से हाफ एन आप डिवाइड कर लेना है, और मैं इस तरीके से अभी इसमें हल्का सा शेप दूंगी, अच्छे से इस टाइप से कट कर दूंगी। टू फिंगर्स के बीच में आपको इस तरीके से ग्रिप करना है, ये देखिए, और जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना उसको हम कट कर देंगे इस टाइप से, और बराबर ही कट करेंगे, तिरछा कट नहीं करना है। और अगर यही बाल गीला रहता तो आपको वो जो शेप है वो और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता। और इसको भी सेम वैसे ही आपको कर लेना है, बराबर ही करना है। आप देख सकते हैं मैं बराबर कर रही हूँ, कोई तिरछा कटिंग नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर शेप दिखाने के लिए मैं बिल्कुल हल्का सा गीला करूँगी, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हाँ, ये जो लेयर कटी है बिल्कुल परफेक्ट कटी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोम करने के बाद में इसको नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे, ठीक है? ऊपर की तरफ ना ले जाके हम नीचे की तरफ इस तरीके से रीचेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको नीचे की तरफ से लाना है हेयर को ऐसा, और हल्का सा ट्रिम बस करना है आपको। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा शेप दिख रहा है। और यही हेयर अगर ड्राई रहता है तो वो अनशेप में दिखता है, लेकिन आपका जो कटिंग है वो बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के आप करेंगे ना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होगा। और आज अब मैंने जो है अपने बालों पे सीरम भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हेयर काफ़ी हल्का सा पफी सा दिख रहा है, और मैंने कोम भी नहीं किया था, जस्ट अभी मैं कट करते समय ही कोम कर रही हूँ।
और उसके बाद आपको करना क्या है, हाफ एन हाफ डिवाइड कर लेना है, पीछे के सारे बालों को आधा आधा करके फ्रंट तरफ इस तरीके से ला लेना है। और किसी चौड़ी कॉम का यूज़ कर लेंगे आप, जो भी आपके पास में हो या जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो वाला। उसके बाद में हमें करना क्या है, जस्ट कान के पास से बालों को लेना है। ये देखिए ईयर टू ईयर आपको पार्टिंग करनी है, ध्यान रखेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है, और इस तरीके से लेके जाना है और इसको कट कर देना है। बराबर ही करेंगे, तिरछा नहीं कट करना है आपको, इसको बराबर कट करना है। इस टाइप से आपको अच्छे से ग्रिपिंग कर लेना है, ये देखिए। और जितना भी आपको अनइवन लग रहा है उसको हम कट कर देंगे। और ये जो लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हैं चाहें तो। और अब मैं लास्ट वाली लेयर को भी करूँगी। और अगर आप एक साथ पकड़ने में आपको कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो आप उसमें और सेक्शनिंग कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठा कट करें, आप थोड़े थोड़े करके सेक्शन और ले सकते हैं, इसको 3 से 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि आप एक साथ में ही पकड़ें। और ये देखिए ऊपर के बालों को देखते हुए नीचे के बालों को हम कट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं नीचे का शेप कितना अच्छा दिखने लगा है, लेयर जो कट की हूँ मैं वो बहुत ही अच्छे से दिखने लगा है। और इसके बाद में हम इस तरफ का करेंगे, तो इधर का भी बालों को पहले अच्छे से सुलझा लेंगे। और इस तरीके से ईयर टू ईयर अभी मुझे कट करना है, तो कान के पास से सेक्शन को निकाली हूँ मैं। और इस तरीके से सामने की तरफ लाना है बालों को, ठीक है। आप अपने सामने की तरफ लाएंगे और बराबर कट कर देंगे, ये देखिए इस टाइप से करना है। और उसके बाद सारे बालों को मैं एक ही साथ ले रही हूँ। और मैं बार बार आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक साथ पकड़ने में आपको जो है ठीक ना लग रहा हो, कंफर्टेबल ना फील हो रहा हो, तो आप जो है सेक्शन और डिवाइड कर लेंगे। और देखिए अपनी गाइडलाइन को देखते हुए हम इसको कट करने वाले हैं। तो ये देखिए इधर का भी हो गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये हेयर गीला होता तो ये जो लेयर मैंने अभी कट किए हैं वो बिल्कुल एक एक करके बिल्कुल अलग से पता चलते। बट गीले बालों पे तो कटिंग हर कोई करता है, बट ड्राई हेयर पे इस तरीके से स्टेप्स कटिंग का लुक आप देखिएगा कितना लाजवाब आता है। और ऊपर की तरफ ऐसा ले जाना है और हल्का सा हम ट्रिम कर देंगे, जितना हमको ऊपर नीचे लग रहा है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं पूरा लेयर दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। और गर्ल्स पे वुमेंस पे हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग हेयर पे अगर आप इस तरीके से मल्टी स्टेप्स देते हैं ना तो बहुत प्यारा लुक आता है। ये देखिए इधर भी उठाएंगे ऊपर की तरफ और इस तरीके से जितना एक्स्ट्रा हमको दिख रहा है अपनी गाइडलाइन को हम देख लेंगे, मैच कर लेंगे। तो छोटे छोटे हेयर हमारी गाइडलाइन होती है और जो बड़े हेयर होते हैं हमको उनको कट करना होता है। तो जस्ट अपनी गाइडलाइन को फॉलो करना है और कट करना है। आप बिना गाइडलाइन को देखे कभी भी हेयर कट नहीं करेंगे। अगर आपके पास गाइडलाइन है तो आपका हेयर कट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम इसमें पीछे से स्टेप्स करने वाले हैं। तो सामने से तो लेयरिंग मैंने कर दी है और अब मैं करने वाली हूँ बैक साइड से स्टेप। उसके लिए क्या करना है, बालों को बहुत अच्छे से आप कोम कर लेंगे, अच्छे से सुलझा लेंगे इस टाइप से। और इस तरीके से आपको बालों को उठा लेना है, ठीक है, पार्टिंग कर लेनी है, एक आधे बालों को उठाना है और ऊपर की तरफ कोम करना है ऊपर की तरफ। और आराम आराम करते हुए जाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ लेके जाना और सेल्फ में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है करने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ये देखिए तो अब मैं जितना हम मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको मैं कट करने वाली हूँ। और इसमें गाइडलाइन कौन सी है, जो फ्रंट पे मैंने पहले कट किया था, सेकंड जो शॉर्ट लेयर के बाद में सेकंड लेयर, उसी के हिसाब से इसको मैं कट की हूँ बॉक्स पार्टिंग को। और पीछे गाइडलाइन निकालूंगी, जैसे कि आपने बाकी की कटिंग में भी देखा होगा मैं हमेशा कट करने के पहले गाइडलाइन निकालती हूँ। तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको, तीनों तरफ के लिए इस तरीके से गाइडलाइन निकाल लेनी है।
और देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि स्टेप्स कट करना पॉसिबल नहीं है अपने हाथों से ही, तो आप खुद देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैं चौड़ी कोम इसलिए यूज़ करी क्योंकि मेरे जो हेयर हैं थिक हैं, इस वजह से मुझे ऊपर ले जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं चौड़ी कोम का यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट 90 डिग्री पे आपको बिल्कुल लेके जाना है और इस तरीके से आपको इसको बराबर कट कर देना है। इसमें बहुत ही अच्छे से स्टेप्स आ गए हैं और पीछे से और सेक्शन निकालेंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड करके कटिंग करने वाली हूँ। ये देखिए तो ये दूसरा सेक्शन हुआ, तो जो पहले लेयर में कट कर चुकी हूँ देखिए यहाँ से मैं उठा रही हूँ एक गाइडलाइन, यहाँ से इसको मैं काटने वाले लेयर पे ऐसा मिक्स करूँगी और बालों को ऊपर की तरफ कोम करते हुए लेके जाऊँगी अच्छे से स्ट्रेट लेके जाना है, बिल्कुल लूज़ नहीं करना है आपको बालों को, आपको ऊपर की तरफ ले जाना है और अच्छे से ग्रिप बना लेनी है जहाँ तक आपको मिलता है गाइडलाइन, और उसके बाद नीचे लाके आपको कट करना है। कटिंग आपको जस्ट ऊपर ही हैंड रख के नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रिपिंग ऊपर तक लेके जानी है और उसके बाद इस तरीके से कट कर दूँगी। तो ये आप खुद देख सकते हैं, पता नहीं लाइटिंग क्यों नहीं अच्छे से फोकस हो रही है इस पर, ये देखिए कितने सारे स्टेप्स दिख रहे हैं इसमें। ये हमारा होगा तीसरा सेक्शन, 2 सेक्शन में कर ली, ये तीसरा सेक्शन करूँगी मैं और यहाँ से गाइडलाइन को मैं उठा लूँगी और इस वाले लेयर पे मिक्स करूँगी, ये देख सकते हैं, और अच्छे से कोम कर लूँगी ऊपर की तरफ। तो देखा ना कितना इजी तरीके से मैं कर रही हूँ और बिना कुछ देखे, मैं जस्ट कैमरे में ही देख रही हूँ। और ये सारे काम जब आप करते करते एकदम परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं लगती कि आप मिरर देखें, आप बिना देखे भी इजीली कर सकते हैं। और इसको भी अपनी गाइडलाइन के हिसाब से कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर। और ये हमारा 4th सेक्शन लास्ट वाला, तो देखिए यहाँ से गाइडलाइन उठाऊँगी और इस लेयर पर मिक्स कर लूँगी और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी बालों को। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा हाथ देखिए बिल्कुल ऊपर की तरफ ले गई हूँ मैं, और कटिंग के लिए आपको अपना हैंड नीचे की तरफ लाना है और अपनी गाइडलाइन को देखते हुए ऐसा कट कर देना है। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। पर मैं एक बात हमेशा आप लोगों को यही समझाना चाहूँगी कि जैसे अगर आप बिल्कुल आपको ड्राई हेयर कट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप गीला कर लें उसके बाद आप कट करें। तो अब ऊपर जो मैंने क्लिप किए थे उसको मैं ओपन कर दूंगी इस तरीके से, इस टाइप से। और उसके बाद में क्या करना है, लास्ट में इसमें और अच्छा सा स्टेप्स देने के लिए आपको आधे बालों को उठा लेना है, आई मीन आधे से भी ज़्यादा बालों को एक साथ ऊपर उठाना है और बहुत अच्छे से कोमिंग करते हुए बालों को ऊपर की तरफ ऐसा लेके जाएंगे, ये देखिए। और अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ में अपडेट रह सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है, तो ज़रूर करें, और अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो देखिए बालों को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फ्रंट का जो भी छूट रहा है आप उसको छूट जाने दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी कट हो चुका है, तो उससे हमारा कोई वो नहीं है। जितने बाल छूट रहे हैं छोटे वाले उनको आप छूट जाने दीजिए और ऊपर के हेयर को इस तरीके से इक्वली हम बराबर कट कर लेंगे। ये देखिए तो पीछे में बहुत अच्छे से स्टेप्स आ गए और काफ़ी अच्छा घना सा लुक भी दिखने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाफ एंड हाफ बालों को अच्छे से डिवाइड कर लेंगे, सामने की तरफ लाएंगे और मैंने हेयर कट की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डाली हुई हैं, बहुत ही इजी वे में डाली हैं कि बहुत ही आसानी से आप देख के सीख सके। तो आप उनको देखिए सीखिए, हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से एक बार चेक करेंगे उठाते हुए, जब हम इस तरीके से उठा के चेक करते हैं ना और कट करते ना तो उसमें बहुत अच्छा जो है लेयरिंग होती, बहुत सारा अच्छा सा स्टेप्स आता है। ये देख सकते हैं अभी जो है फ्रंट का मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया, फिर भी आप मेरे फेस का लुक खुद देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया। और अब हम पीछे से क्या करेंगे, यू शेप बैक साइड से तो हम कर नहीं सकते, सामने से ही करना, तो आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लाके कट करना है
और इधर का भी वैसे ही करना है। जब आप नीचे लाके ना इस तरीके से आप कट करते हो ना लेयर को दोनों तरफ का, तो आपका जो हेयर है पीछे साइड आप जब लेके जाओगे ना तो वो बिल्कुल अच्छे से यू शेप के लुक में आ जाएगा। उसमें ऑलरेडी यू शेप आ जाता है, ये देखिए। तो इसको इस तरीके से मैं बराबर कट कर दे रही हूँ, इस टाइप से दोनों लेयर को चेक कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे आपको चेक करना है, थोड़ा भी अनइवन लगेगा तो आपको एक साथ मिक्स करके इसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे इस टाइप से और इसको बराबर कट कर देंगे, ताकि जब पीछे की तरफ आपका हेयर जाएगा ना तो वो ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल यू शेप के लुक में आएगा, पूरा परफेक्ट यू शेप आपका आ जाएगा। ये देखिए दोनों इक्वल। तो ये फ्रंट से जो है कंप्लीट हो चुका है। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि जिनको यू शेप नहीं आता है खुद से करने, तो वो क्या करें, ऐसे ही सामने बालों को ला लें हाफ एन हाफ डिवाइड करके फ्रंट की तरफ, और उनको जो है बिल्कुल एक जैसा बराबर कट कर दें। फिर वो बैक साइड जैसे ही कॉम करेंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छा सा यू शेप का लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं फ्रंट का हेयर कट करूँगी। जो मेरे फ्लिक्स हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं अभी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको कितना लॉन्ग रखना है फ्रंट पे। तो मैं थोड़ा सा जो है शॉर्ट करने वाली हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से आपको इक्वली अच्छे से पकड़ लेना है इस टाइप से। और कितना आपको थिक रखना है, कितना थिन रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितना करोगे। मुझे जितना अच्छा लगता है मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस टाइप से, देखिए। तो ये हो गया है और आप देख सकते हैं कि फ्रंट हेयर कट होने के बाद फेस कितना चेंज दिखता है, काफ़ी अच्छा भी लगने लगता है इस टाइप से। तो हेयर कट जो है मेरा कंप्लीट हो, तो इस तरीके से मैं अपने बालों को अच्छे से एक बार देख लूँगी, कॉम करके चेक कर लेंगे आप। और सेटिंग जो है मैंने उसकी भी वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो रॉड से, रोल से या फिर ब्रश की हेल्प से कर सकते। मैं आप सबको सेटिंग का सबसे इजी तरीका बताने वाली हूँ। बालों को ऐसा पकड़ें एक साथ और अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस तरीके से मैं क्लच कर दूंगी। कम से कम आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें, फिर आप ओपन करें। तो मैं आपको जो है कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद में मिल रही हूँ अभी, और अपने बालों को मैं ओपन करके आपको दिखाऊँगी। और इस ऐसे सेटिंग में आपको ड्रायर की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाना है, आप अपने बालों को ऐसे कम से कम आधे घंटे के लिए क्लच कर दें और छोड़ें, तो आपका जो हेयर है ऑलरेडी बहुत अच्छा सेटिंग वाला लुक देगा। तो आप मेरे बालों को देख ही सकते कितना गॉर्जियस लुक दे रहा, और एक एक स्टेप्स बिल्कुल निखर के सामने आए। और इस तरफ थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है शायद, मैं पहले ध्यान नहीं दी और थोड़ा सा ब्लैकिशपन दिख रहा, वरना आप मेरे हेयर का लुक देख ही सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा आप ऊपर में ले जाके क्लच करते हैं ना, उतना ही ब्यूटीफुल लुक आता है, लेंथ भी ज़्यादा दिखती है और स्टेप्स भी बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आप सेटिंग नहीं भी करते हैं तो इस कटिंग में जो इतने ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा बाउंस आ ही जाता है। तो आप सब बताना ज़रूर कि आप सबको कैसा लगा। और ये है मेरे हेयर कट का बैक लुक, आप देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ओपन करके दिखा देती हूँ और पूरे स्टेप्स बिल्कुल निखर के आ गए हैं इस टाइप से। और ये बैक लुक है, और ये है मेरा फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं। फ्रंट पे ले जाने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और जितना हेयर मैंने कट किया ये है कटा हुआ हेयर। तो आप सब बताना ज़रूर कि आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।